दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने शेयर मार्केट के थोड़े से बेसिक्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में इसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हैं। साथ ही अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग तरह के शेयर्स के साथ ये समझना ज़रूरी है कि रियल में ये शेयर किस तरह से ऑपरेट होते हैं। अगर हमें शेयर मार्केट में पैसा कमाने हैं तो हमें कंपनी की एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक रिपोर्ट देखनी आनी चाहिए। अब हम शेयर से जुड़े ऐसे टर्म्स के बारे में जानते हैं जो एनुअल रिपोर्ट में होते हैं। तो सबसे पहले है शेयर कैपिटल। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर देनदारी वाले कॉलम में दर्ज होते हैं, क्योंकि ये राशि कंपनी पर शेयर धारकों की देनदारी है। नियमतः कंपनी बंद होने की स्थिति में ये राशि शेयर धारकों को चुका दी जानी चाहिए। क्योंकि ये राशि कमाई और खर्च का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे नुकसान या फायदे के खाते में नहीं दर्शाया जाता, बल्कि देनदारी खाते में शेयर कैपिटल के नाम से दर्ज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि शेयर कैपिटल किसी कंपनी की वो पूंजी है जो शेयर होल्डर्स के लिए सुरक्षित यानी कि सेफ होती है। अब बात करते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की। बैलेंस शीट में शेयर से जुड़ा एक और नाम होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की कुल पूंजी का वो अधिकतम हिस्सा है जो कंपनी शेयर जारी करके प्राप्त कर सकती है। इसकी सीमा पूरी होने पर कंपनी और अधिक शेयर जारी नहीं कर सकती, जब तक कि उसकी सीमा को बढ़ाया नहीं जाए। कंपनी के मेमोरेंडम में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही उस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल पहले से ही तय की गई होती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है। शेयर की फेस वैल्यू 10, 5, 2 या 1 रुपए हो सकती है। इसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल आता है, मतलब बैलेंस शीट बनाते टाइम तक कंपनी कितनी शेयर जारी कर चुकी है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और इश्यूड शेयर कैपिटल का अंतर ये दर्शाता है कि कंपनी मेमोरेंडम के तहत और कितने शेयर जारी कर सकती है। ज़्यादातर मामलों में इश्यूड शेयर कैपिटल कम रखा जाता है, क्योंकि कंपनी एक बार में ही अपनी पूरी सीमा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ख़त्म नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ भाग ही उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कि इश्यूड शेयर का वो भाग जो इन्वेस्टर द्वारा लिया जाता है या सब्सक्राइब किया जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इसे ही कहते हैं। जब इशू किए गए सभी शेयर इन्वेस्टर्स द्वारा ले लिए जाते हैं, तब इशू व सब्सक्राइब्ड कैपिटल समान होंगे। इससे शेयरों की कुल संख्या का अनुमान होता है कि कितने शेयर इशू किए गए हैं और इन्वेस्टर्स ने कितने लिए। शेयर कैपिटल का अंतिम स्वरूप पेड अप शेयर कैपिटल होता है, मतलब कि जारी किए गए शेयरों के तहत बैलेंस शीट बनाते टाइम तक कंपनी को कितनी शेयर कैपिटल मिल चुकी है। चौथा है बोनस और राइट शेयर। बैलेंस शीट में कंपनी द्वारा जारी किए गए बोनस शेयरों की संख्या का उल्लेख होता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा शेयर बेचकर अर्जित किया जाता है और कितना हिस्सा इन्वेस्टर्स को बोनस शेयर जारी करके शेयर कैपिटल में शामिल किया गया है। बोनस शेयर शेयरधारकों को फ्री में जारी किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि बोनस शेयर क्यों जारी किए जाते हैं। दरअसल बोनस शेयर का संबंध कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से है, इसलिए पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व क्या है इसे समझते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी अपने बिजनेस के दौरान फिनेंशियल ईयर में फ़ायदा अर्जित करती है, तब कंपनी नियमित खर्चे निकालकर, देनदारियां निकालकर, डिविडेंड निकालकर बची हुई राशि फ्यूचर में विस्तार के लिए रिजर्व रखती है। साल दर साल इस प्रकार कंपनी का अवतरित बेनिफिट्स इकट्ठा होकर रिजर्व के रूप में कंपनी के पास रहता है। कंपनी अपनी नीतियों के अनुसार सरकारी कानूनों तहत बोनस इशू जारी करके इस रिजर्व पूंजी के कुछ भाग का कैपिटलाइजेशन करती है। इस प्रक्रिया में शेयरधारकों को उनके शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, इसे बोनस इशू कहते हैं। इस प्रक्रिया में कंपनी का रिजर्व फंड इक्विटी में परिवर्तित होता है। रियलिटी में ये केवल एक बुक एंट्री है। बोनस शेयरों पर कोई कीमत नहीं वसूली जाती है और शेयरधारकों की संख्या भी नहीं बदली जाती है। इस प्रकार शेयर होल्डर्स का कंपनी में हिस्सा भी नहीं बदलता है। हाँ, ये हो सकता है कि बोनस शेयर जारी करने के बाद कंपनी के शेयरों की बाजार की कीमत में कुछ गिरावट आए, जो बोनस इशू के अनुपात में होती है। साधारणतया कंपनी हर साल अपने डिविडेंड की दर बनाए रखती है। शेयरधारकों को बोनस इशू मिलने के बाद ज़्यादा डिविडेंड मिलता है और टाइम के साथ बाजार में शेयरों की कीमत पर अपना स्थान बना लेती है। इस प्रकार शेयरधारकों को काफ़ी फायदा होता है।
तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। इस वीडियो को बनाने में हमने कुछ बुक्स की सहायता ली है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह हम आपके लिए काम के वीडियोस लेकर आते रहेंगे।